अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची सराय के मुंडे की तरफ से, चैनल की तरफ से आपका होस्ट मंसूर अहमद आपके सामने है। आज हम अपने हरदिल अजीज रईस साहब से जो है इंटरव्यू लेंगे सराय की कल्चर डे के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। ये किस चीज़ की तैयारी हो रही है, क्या कर रहे हैं? जी माशाल्लाह, ये हमारे बुजुर्गों से जो ली थी वो अमाना जिंदा है, तो आज 6 मार्च के दम से हम सराइकियों की सकाफत जिंदा है। अच्छा, तो आज हमारा कल्चर डे सराइकियों का, तो कल्चर की तैयारी है और माशाल्लाह अमन का पैगाम, और इसलिए बस जोश व खरोश से निकले हुए कल्चर के लिए। अच्छा, तो कोई इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं यहाँ पर, कुछ कर रहे हैं? जी मौसीकी का प्रोग्राम है, क्या है? नहीं नहीं, मौसीकी का भी है, और मतलब के दोस्त जा रहे हैं यहाँ जो हैंगे मिलने के लिए, तो वीडियो शीडियो बनाएंगे। हाँ, और बस यही है। माशाल्लाह से आपकी गैदरिंग काफ़ी खूबसूरत है। जी जी, और बड़े जोशीला नौजवान हैं यहाँ पर माशाल्लाह। आप अपने उसके टिकटॉक के आवाज़ कब आगाज़ किया था? बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, बहुत मशहूर हैं आप। जी जी, बस स्टार्टिंग में तो इतना रिस्पांस नहीं मिलता था। जी जी, फिर सराइकियों में माशाल्लाह वीडियो बनाना शुरू की, तो सराइकियों ने काफ़ी सपोर्ट किया, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, तो फिर अब बस सराइकियों पे ही वीडियो बनाना है, तो और किसी चीज़ की जरूरत नहीं। अरसे से वो तो दिन हो गए आपको? 2 महीने हुए हैं ज़्यादा। तो सुने के फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हैं? फॉलोवर्स और लाइक माशाल्लाह बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। आप किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं? फोकस मेरे इसी चीज़ के होते हैं कि पाकिस्तान मतलब कि हम सराय की जितनी अपनी ज़बान को जितना प्रमोट कर सकें, कर सकते हैं। तो मतलब अब तो गूगल ने भी बोल दिया कि पाकिस्तान की सबसे मीठी ज़बान सराय की है। इसमें तो कोई शक नहीं, सराय की बहुत मीठी ज़बान है। दिल चाहते हमारा बस मेन मकसद ये कि बस सराय की को आगे बढ़ाया जाए, सराय की किसी से कम नहीं है ये बताना। इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। अब हम अली भावलपुरी साहब से बातचीत करेंगे, और ये कराची वो सराय की डे के हवाले से ये खासकर भावलपुर से यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए हैं, और यहाँ पर बड़े मसरूफ़ दिन इन्होंने सारा गुजारा है, तो अब बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ आए हैं, तो इनसे इन्हीं की ज़बानी इनसे पूछते हैं कि ये क्या क्या कर रहे हैं। अस्सलाम अली साहब, कुछ बताएँ अपने बारे में कि कब आपने स्टार्ट लिया, क्या कर रहे हैं, किस तरह आप वीडियो पर आ रहे हैं, चैनल पर आ रहे हैं, कुछ तारुफ करवाएं अपना। मैं टिकटॉक में आए हुए मुझे 3 मंथ हुए हैं अभी स्टार्टिंग में, तो माशाल्लाह मुझे अली हैदराबादी की फर्स्ट कॉपी हूँ, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ ना सब मुझे समझते हैं कि अली हैदराबादी आया हुआ है, तो मैं मुझे ये समझते हैं, तो मैं उनसे अच्छा रिस्पांस देता हूँ और वो भी मुझे अच्छे रिस्पांस देते हैं, मेरे फ़ैन भी बढ़ रहे हैं माशाल्लाह। और मैं 1 मंथ के बाद सोचता था कि मेरा इस वहीं से मिलना है, दूसरे कराची के टिकटॉकर से मिलना है, मेरी ख्वाहिश थी, तो अल्लाह ने चाहा इतना जल्दी मुझे फेम मिल रहा है और मैं कराची आ गया। मुझे 8 दिन हो गए मैं कराची में हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह बहुत ही मुझे फेम मिल रहा है और फैन मिल रहे हैं, तो रईस भाई को मिलना चाहता था, फिर कल्चर डे हमारे सराइकियों का, तो मैं भी सराइकी हूँ अली भावलपुरी, तो रईस भाई ने बुलाया कि आप रैली पे हैं, इंशाल्लाह हम इंजॉय करेंगे, अब सुबह के साथ ही हैं, तो अब रैली पे रैली हमारी रेडी है, निकलना है, हम पूरा कराची इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। सराइकी किसी से कम नहीं है, अली भावलपुरी इंशाल्लाह नेक्स्ट टिकटॉक स्टार बनेगा अपने, मुझे टोटल पाकिस्तान चाहिए। थैंक यू सो मच, अली भावलपुरी साहब एक बात पूछना चाहता हूँ, आप जिस तरह कराची तशरीफ़ लाएँ, कराची में भी आपने देखा है कि यहाँ पर अच्छे खासे सराइकी भाई हमारे मौजूद हैं, और हर साल वो इसी तरह सेलिब्रेट करते हैं और बड़े पैमाने पे करते हैं, तो भावलपुर में भी इस टाइप की तकरीबात होती हैं? जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल होते हैं, और क्या ना कि भावलपुर के मुझे बहुत मिस कर रहे हैं, जिनको पता चला कि अली भावलपुरी आ गया है वो उनकी कॉलें भी आ रही हैं, और बहुत मैंने लेकिन रईस की वजह से यहाँ पे रुक गया। रईस भाई ने बोला है कि कराची में कल्चर डे बनाना है, पंजाब साथ चलेंगे इंशाल्लाह। रईस भाई ने मेरी सपोर्ट की है और सपोर्ट आगे करेंगे इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ मैं हर किसी के साथ, अल्लाह मुझे ताकत दे मैं निभाऊँ उनके साथ और फैन से मिल सकूँ, और बस यही ख्वाहिश है पाकिस्तान का नाम आगे लेके जाना है। वैसे सराय की जिंदाबाद, जिंदाबाद कराची भाई, जिंदाबाद। थैंक यू सर। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी हम कासिम भाई से और अली भावलपुरी साहब से जो इंटरव्यू ले रहे थे, एक खूबसूरत से नौजवान सामने हमें नज़र आ रहे हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ये सराय की कल्चर डे के सिलसिले में क्या कुछ करना चाह रहे हैं। बस मैं एक ही नारा मारना चाहूँगा सराइकियों के पहले बारे तो अपना नाम बताइए, तारुफ करो। उमर नाम है, उमर छोटा किंग है नाम है मेरा, उमर छोटा किंग नाम है मेरा। छोटा किंग है यार, आप तो हमें बड़े किंग नज़र आ रहे हैं, छोटे ही आप इंशाल्लाह बड़े से बड़े किंग बनेंगे। कुछ बताएं क्या नारा लगाना चाहते हैं? ये नारा ये है जी, पंच बोटियाँ पंच रोटियाँ, जड़े सराइकियों का नारा ना मारे ओनू लक्षण पंच सोटियाँ बाबा जी।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब हम सरायकी ज़बान के मशहूर गुलकार कासिम साहब से जो हैं इंटरव्यू लेंगे। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आज क्या अल्लाह गुल्ला हो रहा है? अल्लाह गुल्ला बस अजरक डे मना रहे हैं, हमारे सरायकी का अजरक डे होता है। अच्छा, ये 6 मार्च को हर साल होता है? बिल्कुल हर साल होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे टिकटॉकर भी हमारे साथ हैं, हमारी सपोर्ट में खड़े हैं, बिल्कुल सरायकी कल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो आज कहाँ कहाँ आपका जाने का इरादा है? देखिए जी, जाना तो बहुत जगह था, बस माजरत का टाइम इतना कम है, बहुत शॉर्ट हो गया, हमारे एक दो जगह हैं तो भाई सब बताएंगे। हमारा प्लान किया गया, अभी हम जाके वहाँ तो रोज वेट कर रहे हैं। हाँ, अभी सुने आपकी एक इंटरव्यू भी लोड होने वाला है आज शाम को। जी हाँ, ये आप ही के चैनल से मेरा अपलोड होने वाला है, मेरे ख्याल में आज करेंगे या कल करेंगे। फैसल भी इंटरव्यू किया है माशाल्लाह, बहुत आउट क्लास किया है, बहुत बेहतरीन हुआ है, बहुत प्यारा है, तो आज रात को शायद वो लोड हो जाएगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन जो है आपके इंटरव्यू से आपकी ज़िंदगी के बारे में जो है वो मालूम रखेंगे जी इंशाल्लाह। तो आप आजकल मौसीकी के सिलसिले में क्या कर रहे हैं आप? जी मौसीकी तो बस देखिए, ये गिज़ा है, चलती रहती है, जैसे खाना हम खाते हैं गिज़ा, ये गायकी भी हमारी गिज़ा है, हम खाते रहते हैं। अभी मेरा आपने सॉन्ग सुना जीवे सरायकी, जी जी, तो माशाल्लाह बहुत रिस्पांस मिला है उससे, और राइस भाई ने इसको प्रोड्यूस किया, इनका चैनल भी है खड़क स्टूडियो। अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर हैं इजाज भाई, मलिक इजाज साहब, जी जी, उन्होंने जी ये लिखा हुआ भी है देखें, और ये मेरी सपोर्ट में खड़े हैं, हमारे समझो छोटे भाई हैं, खैर मुझसे तो बहुत छोटे हैं, तो इन्होंने बस मोहब्बत है इनकी, हमारे साथ अली भाई की कॉपी है, अली साहब हैं हमारे कराची के, अली भाई अली भावलपुरी हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, आपके साथ एक शान साहब भी होते थे गुलकार, आज वो नजर नहीं आ रहे। शान जमील साहब मसरूफ है आज। अच्छा, वो किसी और इवेंट पे गए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आज तो बड़ा मसरूफ दिन गुजरेगा आपको इंशाल्लाह। अच्छा, ये आप जो गुलकारी करते हैं इसमें कोई रियाज भी करते हैं मॉर्निंग में? सुने के जी हाँ, देखें बगैर रियाज के तो कुछ भी नहीं कर सकते, भले आप जी बिल्कुल, जैसे हम खाना बनाते हैं सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं, जी जी जी, तो गायकी भी ऐसी है, सुबह सुबह उठते हैं प्रैक्टिस करते हैं रियाज करते हैं, और मेरे उस्ताद भी हैं माशाल्लाह, उनसे भी मैं रिहर्सल करता रहता हूँ। अच्छा, आपके उस्ताद का क्या नाम है? सिंगर शबाज़ खालती साहब, माशाल्लाह मशहूर सिंगर है माशाल्लाह जी, बिल्कुल। तो कुछ ये इसके हवाले से सरायकी कल्चर डे के हवाले से कोई सॉन्ग वगैरह गुनगुनाएंगे, कुछ दो बोल सुनाएंगे आप हमें? बिल्कुल ज़रूर, आप बोलें हम ना सुनाएंगे, कैसे हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा कुछ गुनगुना दें। अभी मेरा न्यू सॉन्ग आया है, मेरे ख्याल में वही सुना देता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जीवे जीवे मेडा सरायकी जीवे, हो मेडा सोना जीवे, हो मेडा मीठा जीवे, जीवे जीवे मेडा सरायकी जीवे, नीली अजरक पाक के वेसू सरायकी कौम दे नारे लैसू, नीली अजरक पाक के वेसू सरायकी कौम दे नारे लैसू, नीली अजरक पाक के वेसू सरायकी कौम दे नारे लैसू, सड़दे जरा सड़े हाँ सड़े, जीवे जीवे मेडा सरायकी जीवे, जीवे सरायकी जिंदाबाद, सरायकी जिंदाबाद। अली भाइयों ने हम बहुत इमदाद के साथ यहाँ पे आए हैं, और हफ्ता पहले आए थे, बस घूम शूम भी लिया, सरायकी कल्चर डे भी मना लिया। अच्छा, और अब वापसी की तैयारी है, तो बहुत कराची में आकर बहुत प्यारा लगा, सरायकियों की बहुत ज़्यादा हमने मोहब्बत है, भाइयों की सब की। आप क्या समझते हैं कि आपका जो इलाका है वहाँ के मुकाबले में कराची के जो सरायकी हैं वो कुछ ज़्यादा एडवांस हैं? जी जी, ज़्यादा एडवांस है, मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा दी है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत की है, सरायकी ऐसी ज़बान है जो मोहब्बत मोहब्बत देती है। सरायकी और जो पढ़े हैं ना वो पंजाब में है ज़्यादा, सही है, ठीक है ना, कराची में है वो मोहब्बत देते हैं, खलूस देते हैं, प्यार देते हैं, जो क्लोज है वो ना वो कुछ ऐसे होते हैं, सरायकी पढ़े हैं जो जेलस भी होते हैं, लेकिन सरायकी सरायकी है इंशाल्लाह, सरायकी बहुत आगे है। और हम टिकटॉक पे हमेशा सरायकियों जैसी वीडियो बनाते रहते हैं, भाई सरायकी टाइम में मेरा टिकटॉक पे अकाउंट है आसिम अमीर 27। दोबारा रिपीट कीजिएगा ताकि हमारे नाज़रीन आपका वो देख सके। मेरा टिकटॉक पे अकाउंट आसिम अमीर 27। ठीक है, ये आपका अली भावलपुरी 02। और आपका जनाब? उमर छोटा किंग। ये तो किंग है भाई, ये बिलावजार को ना आपको छोटा कहते हैं, ये छोटे नहीं, ये बहुत बड़े। आईडी उमर छोटा किंग है। नाज़रीन, हमारे साथ जफर भाई भी मौजूद हैं जो अदाकारी की दुनिया में एक खास नाम और मकाम रखते हैं, और बहुत सारे इनके हमने प्रोग्राम देखे हैं, और आजकल भी ये वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं। इस कराची सरायकी कल्चर डे के हवाले से कुछ बताएं जी। मैं सर ये कहना चाहता हूं कि माशाल्लाह जो आज जज्बा हम सरायकियों का देख रहे हैं जी, तो इंशाल्लाह ये सुबह बनेगा, तो सुबह बनेगा ऐसे, जब हम आज सबको देख के देख रहे हैं कि एक हो गए हैं जी, तो कहते हैं कि एक छत के नीचे आ जाओ तो सुबह मिलेगा। पहले थी ग्रुप बंदी, जी जी, ग्रुप थे कोई 50 बंदे का, कोई 100 बंदे का, आज मैंने देखा कि लाखों करोड़ों का ग्रुप एक बन के एक छत के नीचे ये आ गए हैं लोग,
इंशाल्लाह सराय की सुबह लेके रहेंगे। मेरा सराय की सुबह जिंदाबाद।